गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल जी ने आज एक बयान दिया है। आप सब जानते हैं गुजरात में चुनाव होने वाला है और वहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, हम सब जाते हैं तो गुजरात के लोग जगह जगह हमें स्कूल दिखाते हैं कि देखो कितने खराब स्कूल हैं और 27 साल में बीजेपी ने स्कूलों पर कोई काम नहीं किया, ये खुद गुजरात के लोग अब जगह जगह दिखा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं वहाँ गुजरात में स्कूल की और कहते हैं कि 5 साल में स्कूल बदल सकते हैं, इन्होंने 27 साल में कुछ नहीं किया, तो आज सीआर पाटिल साहब ने उसके जवाब में कहा है कि कुछ लोग बाहर से आके कह रहे हैं कि गुजरात में स्कूल नहीं बने, स्कूल नहीं बने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गुजरात की सरकार ने सूरत में 73 प्राइमरी स्कूलों को स्मार्ट बोर्ड लगवा के ठीक किया है। पहले तो ये अच्छा लगा कि अब गुजरात की जनता के डर से, क्योंकि गुजरात की जनता अब स्कूल मांग रही है, तो सरकार के 27 साल खत्म होने के मौके पर अब 73 स्कूल तो आपने ठीक कराए, तो ये अच्छी बात है। लेकिन ये दुख भी हुआ कि 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने केवल 73 सरकारी स्कूल ठीक कराए। मैं डेटा देख रहा था क्योंकि हमने हिसाब लगाया कि गुजरात में कितने दिन में स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो मैंने तो गुजरात के कोने कोने में स्कूल देखे हैं, खराब पड़े हैं सारे, सड़े पड़े हैं स्कूल, पढ़ने के लिए फैसिलिटीज नहीं है, टीचर्स दुखी हैं कि कोई फैसिलिटी नहीं दे रही सरकार। लेकिन अगर आप 27 साल में 73 सरकारी स्कूल ठीक करते हैं तो गुजरात में 40,800 सरकारी स्कूल हैं। इस रेट पे तो आपको 15,000 साल लगेंगे सारे सरकारी स्कूलों को शानदार बनाने में, तो आप 15,000 साल की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का यह फॉर्मूला बहुत घटिया है कि 27 साल में हम 73 सरकारी स्कूल ठीक करेंगे। आपका फार्मूला गुजरात के किसी काम का नहीं है। गुजरात की जनता चाहती है कि 5 साल में स्कूल ठीक हों, ये हजारों साल इंतजार नहीं करना चाहती है गुजरात की जनता। इसलिए आज वो केजरीवाल जी के काम पे यकीन कर रही है, इस बात पे यकीन कर रही है कि अगर केजरीवाल जी दिल्ली के स्कूल ठीक करके दिखा सकते हैं 5 साल में, तो गुजरात के भी स्कूल आम आदमी पार्टी की सरकार 5 साल में ठीक कर सकती है और हो सकते हैं। 27 साल में हमने 73 स्कूल ठीक करके दिखाए, वो भी प्राइमरी स्कूल, तो ये तो अब गुजरात को स्वीकार नहीं है। गुजरात की जनता 5 साल में अपने स्कूल ठीक कराना चाहती है और हो सकते हैं, ये केजरीवाल जी ने करके दिखाया, गुजरात में भी करके दिखाएंगे। पाटिल साहब ने ये भी कहा है कि आप आइए, मैं आमंत्रण देता हूँ स्कूल देखने के लिए, तो मैं पाटिल साहब का आमंत्रण स्वीकार भी करता हूँ, ये अच्छी बात है। मैं पहले भी गया था देखने, आपने खुद भी देखा कि किस तरह के स्कूल वहाँ पे हैं, तो मैं उनके आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। मैं पाटिल साहब से कहना चाहता हूँ कि आप बताएं कब आना है, और शिक्षा मंत्री जी के इलाके से शुरू करेंगे, गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखेंगे और उसके बाद फिर और भी स्कूल देखेंगे, कहाँ आपने ठीक कराएं, कहाँ जनता खराब बता रही है, हर तरह के स्कूल देखेंगे। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी दिल्ली आइएगा, हम भी आपको अपने स्कूल दिखाएंगे कि कैसे 5 साल में स्कूल बदलें, और आप भी दिखाइएगा कि कहाँ रह गए और कहाँ बदलें। अच्छी बात है कि स्कूल पर बहस हो रही है, स्कूल पर चर्चा हो रही है, लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि सीआर पाटिल साहब अपने आमंत्रण से पलटेंगे नहीं और बहुत जल्द गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में स्कूल देखने के लिए आमंत्रण की तारीख बताएंगे। सर, एक सवाल इससे अलग है, कल आपने चिट्ठी लिखी है राज्यपाल को 6,000 करोड़ के टोल टैक्स उठा के, ये एलजी साहब रोज किसी न किसी पे अफसर पे जांच बिठा देते हैं, किसी न किसी डिपार्टमेंट पे जांच बिठा रहे हैं और उसमें कुछ नहीं निकल रहा, हर जगह से निकल आ रहा है कि ये तो बेकार की बात है, ये तो बेकार की बात है। मैंने उनको असली घोटाले के बारे में फैक्ट्स दिए थे कि किस तरह से बीजेपी ने नगर निगम में 6,000 करोड़ का घोटाला किया है और दिल्ली की जनता से ही वसूला, और देश की और जनता जो दिल्ली में आती है, कमर्शियल टैक्स जो दिल्ली में वाहनों के, कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पे वसूला जाता है, उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई है, लोगों से लिया गया लेकिन टैक्स में नहीं दिया गया, और बीजेपी जानबूझ के उसको छूट देती रही और अगला जब ठेका दिया तो और कम पैसे में दे दिया। तो ये पूरे फैक्ट्स मैंने एलजी साहब को दिए हैं, 2 महीने पहले भी दिए थे, लेकिन एलजी साहब का उधर ध्यान नहीं गया कि ये भ्रष्टाचार है, या हो सकता है उनकी कुछ मजबूरियां हों,
क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है और यहाँ असली घोटाला हुआ है, तो मैंने उनसे फिर रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी सीबीआई जांच कराएं, यहाँ आपको मिलेगा घोटाला। अच्छा नहीं, ये तो फैक्ट बताया मैंने, जो सारे चीजें फैक्ट बताई है, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि वहाँ उन्होंने लोकेशन आइडेंटिफाई कर रखी है। इसमें भी मैंने कहा कि मैंने फैक्ट दिए, फैक्ट बताएं, और ये सफाई कैसी भी जांच कराएं, फिर जांच से क्यों घबरा रहे हैं जी साहब? सर आज राहुल देव ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने विरोध तक नहीं किया जुडिशियल कस्टडी में विजय नायर को भेजने का, यानी कि सीबीआई मान चुकी है कि विजय नायर को पूछताछ के लिए भी सवाल है। देखिए ये सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट लिखती है रोज, अब रोज एक नई स्क्रिप्ट लेके आ जाते हैं।